नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। कार्तिक आर्यन अपनी फिल्मों के साथ साथ निजी जिंदगी को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहते हैं। प्यार का पंचनामा एक्टर का नाम अब तक सारा अली खान से लेकर अनन्या पांडे सहित कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ चुका है, लेकिन खुद कार्तिक आर्यन ने कभी भी अपने रिश्ते पर मुहर नहीं लगाई है। कार्तिक आर्यन ने चंदू चैंपियन के प्रमोशन के दौरान जहाँ अपनी फिल्म को लेकर बातचीत की थी, तो वहीं उन्होंने ये भी बता दिया था कि वो अभी बिल्कुल सिंगल हैं। कार्तिक के बाद अब उनकी मम्मी ने बताया कि वो अपने लाडले बेटे के लिए कैसी दुल्हनिया ढूंढ रही हैं। भूलभुलैया 3 एक्टर कार्तिक आर्यन से कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है, वो कैसी लड़की से शादी करेंगे। अब हाल ही में इस सवाल का जवाब एक्टर की जगह उनकी माँ ने दे दिया है। कार्तिक आर्यन अपनी माँ के साथ नेटफ्लिक्स के द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा के शो में दिखाई दिए, जो इस सीजन का ग्रैंड फिनाले एपिसोड होने वाला है। कपिल के शो में कार्तिक आर्यन की माँ कपिल के सामने बेटे की कई राज खोलती हुई दिखाई दी। एक्टर की माँ बताती हैं कि कार्तिक बहुत ज़्यादा जिद्दी हैं और उन्होंने इंजीनियरिंग उसे पीट पीट कर करवाई। कार्तिक की माँ की ये बात सुनकर कपिल भी खूब जोर से हंसने लगते हैं। वहीं कार्तिक अपनी माँ से बोलते हैं, कुछ तो पॉजिटिव बोल दो। इसके बाद कृष्णा अभिषेक और सुनील ग्रोवर शाहरुख खान और सलमान खान के लुक में स्टेज पर आते हैं और फैंस को काफ़ी हंसाते हैं। इस शो में ही एक्टर की माँ माला तिवारी बताया है कि वो किसी एक्ट्रेस को नहीं बल्कि एक डॉक्टर को अपनी बहू बनाना चाहती हैं। कार्तिक की माँ ने जैसे ही शो में बताया कि वो अपने बेटे के लिए डॉक्टर दुल्हनिया चाहती हैं, वैसे ही कपिल ने स्टेज पर फिजियोथेरेपिस्ट को बुला लिया, जो इस प्रोफेशन से ही जुड़ी हुई है। उसमें से एक लड़की बोलती है, हाँ मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। कार्तिक की माँ तुरंत कार्तिक से बोलती है, तुझे तो रोज फिजियो की ज़रूरत पड़ती है। ये सुनते ही कपिल शर्मा और बाकी बैठी ऑडियंस जोर से हंसने लगते हैं। वहीं एक दूसरी लड़की बोलती है, मैं आपका फ़ोन कभी चेक नहीं करूँगी। इस पर कार्तिक आर्यन तुरंत उस लड़की को हाँ बोल देते हैं। वहीं आपको बता दें कि कार्तिक आर्यन की लेटेस्ट रिलीज चंदू चैंपियन बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें।